रमेश एक शिक्षक के रूप में रुद्रपुर गांव आता है। जब वो बस स्टैंड से स्कूल जा रहा था, उसी समय उसका बचपन का दोस्त किसी काम से वहां से गुजरा। मुझे लगता है कि यह अभी भी इसी गांव में रहता है। वो गया और रमेश के सामने खड़ा हो गया। संतोष रमेश को पहचान लेता है। एक दूसरे से हाथ मिलाने और हालचाल पूछने के बाद संतोष रमेश को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी कावेरी और बेटे रवि से उसका परिचय कराता है। ये मेरा दोस्त है। 10वीं कक्षा तक हमने साथ पढ़ाई की। हमने शहर में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये बाहर चला गया। इतने दिनों के बाद महामहिम एक शिक्षक बनकर आए हैं। हाँ, तो फिर बैठकर अच्छे से बात करिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। सिर्फ चाय नहीं, इसे चिकन बहुत पसंद है। मैं जाकर चिकन लेकर आता हूँ, तुम तैयारी कर लो। अरे अभी क्यों, किसी और समय खा लूंगा ना। बस आधा घंटा, तैयार हो जाएगा। तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा चिकन बनाती है, खाकर तो देखो एक बार। अच्छा अच्छा, जाओ और जल्दी से लेकर तो आओ। ठीक है। फिर वो बाहर गया और एक मुर्गा ले आया। फिर सीधा घर के अंदर आकर रसोई में गया और अपनी पत्नी से कहा, सुनो, उसे चिकन बहुत ज्यादा पसंद है, जरा मजेदार बनाना। हाँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। वहां से संतोष रमेश के पास आ गया। दोनों ने पुरानी यादों को याद किया और खूब हंसे। कावेरी जो किचन में खाना बना रही थी दौड़ती हुई हॉल में आई। अरे सुनो, एक मिनट अंदर आओ। मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ भूल जरूर जाओगी। बताओ क्या लेकर आऊं फिर। अरे कुछ भी नहीं भूली हूँ, तुम अंदर तो आओ। फिर क्या हुआ कावेरी? संतोष और कावेरी दोनों साथ में रसोई में जाते हैं। अचानक गैस खत्म हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। संतोष को झटका लगा और उसने तुरंत गैस एजेंसी को फोन किया। हेलो सर, मेरे घर कुछ गेस्ट आए हैं, तो मैं क्या करूं, प्लेट साफ करने आ जाऊं क्या? नहीं सर, मेरे बचपन का दोस्त मेरे घर आया है आज कई सालों बाद, तो इस खुशी में पार्टी देना है क्या? उसने तंज मारते हुए कहा। अरे सर, गैस खत्म हो गई है, हमें अभी सिलेंडर की जरूरत है, क्या मिल सकता है? नहीं, नहीं मिल सकता है, पहले गैस का नंबर बुक करिए। उसने तुरंत फोन काट दिया। फिर संतोष बाहर गया और निराश सा वापस आया। मैंने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी के पास सिलेंडर नहीं है, उसने कावेरी से कहा और सोचने लगा। फिर अचानक उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कुछ दिनों पहले माचिस के खिलौने बनाए थे। कावेरी, क्या तुम्हें याद है कि तुमने माचिस की तीलियों से एक छोटा सा घर बनाया था? हाँ, मैंने बनाया तो है, तो क्या करना है? हम उस घर पर चिकन पका सकते हैं। कावेरी ने कहा, ठीक है। कावेरी ने उस मैच स्टिक हाउस को टेबल पर रखा और उस पर चिकन रखा और उसे जला दिया। 10 मिनट में चिकन करी तैयार हो गई। कावेरी ने उन दोनों को परोसी, दोनों ने मजे लेकर खाई। भाभी, मुझे नहीं पता कि आपने इसे किस रेसिपी से बनाया है, लेकिन बहुत जायकेदार है। इसका स्वाद कुछ अलग ही है। मैं आपको उपहार नहीं दूंगा, हमारे यहाँ शिफ्ट होने के बाद अपनी भाभी को भी इस तरह खाना बनाना सिखा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। रमेश ने कहा और वहां से चला गया। संतोष और कावेरी ने राहत की सांस ली।